2009 में मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था। कोई साथ नहीं देता, आपके दोस्त, रिश्तेदार, परिवार सब आपका साथ छोड़ देते हैं। अगर मैं कहूं कि मैंने अपनी पहचान कितनी कीमती है, ये तब जाना जब मैंने उसे खो दिया। कि नाउमीद नहीं होना चाहिए, नाउमीद तो बेईमान लोग होते हैं। मैं हरियाणा में थी उस टाइम और एक यूनिवर्सिटी के ऑथराइज्ड लर्निंग सेंटर में काम करती थी। शाम 6 बजे जब मैं ऑफिस से निकल रही थी तो एक लड़के ने मुझ पर तेजाब फेंक दिया, जिससे मेरा पूरा चेहरा जल गया और मेरी दोनों आँखों में भरकर एसिड गया, जिसकी वजह से मैंने एक आँख अपनी कम्प्लीटली खो दी और दूसरी आँख में भी पार्शियल विजन बचा। मतलब मैं कहूँ तो लाइफ एकदम, मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी हॉरिफिक हो गई थी उसके बाद। और कुछ कोई साथ नहीं देता, आपके दोस्त, रिश्तेदार, परिवार सब आपका साथ छोड़ देते हैं। तो उस मुश्किल वक्त में जहाँ पे आपकी पहचान आपसे छीन ली जाए, बहुत मेंटल ट्रॉमा होता है और फिजिकल पेन तो हद से ज़्यादा होता है। तो इन्हीं दोनों में मैं थी कि मेरा फिजिकल पेन, मेरा मेंटल ट्रॉमा, मेरा चेहरा खो गया, मेरी डिसेबिलिटी हो गई, कि मैं कैसे चलूँ। एक एक कदम चलने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ता था, मैं चल नहीं पाती थी। 2.5 साल तक डॉक्टर्स ने मेरी आँख को, ये वाली जो एक आँख है इसको भी स्टिच कर रखा था, ठीक है। और इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ, हर सर्जरी लाखों रुपए की होनी, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सब कुछ अफोर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल था। और वो भी एक ऐसी फैमिली, मतलब अगर मैं बात करूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो थोड़ी कंजर्वेटिव माइंड की थी, कि जिसमें लड़कियों को ज़्यादा बाहर पढ़ने लिखने नहीं भेजा जाता, ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, जॉब करने नहीं भेजा जाता। मैं कहूँ तो मैं अपने मोहल्ले में ऐसी पहली लड़की होंगी जिसने बाहर कदम निकाला। से लेकर 2013 तक मैं बहुत डिप्रेशन में रही, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की मैंने, और मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ है। और कभी बैल्कनी में नहीं जाती थी, टेरेस पे नहीं जाती थी, चेहरा कवर करके बाहर निकलती थी। लेकिन फिर लगा जिंदगी ऐसे तो नहीं चलेगी। मेरे सामने दो ऑप्शन थे, एक तो ये था कि मैं इसी तरह बैठ कर सिर्फ सोचती रहूं कि मेरे साथ क्यों हुआ, अपने दुख में रहूं, दूसरा कि मैं कोशिश करूं उठ के चलने की। दूसरे रास्ते में बहुत दिक्कतें थी, बहुत चैलेंजेस थे, ठीक है, मुझे सब कुछ खुद से करना था, बट मैंने कोशिश की कि मैं दूसरे रास्ते पर चलूं। और फॉर्चुनेटली जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे रास्ता मिला और 2013 से मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू किया, जहाँ पर मैं और दूसरे एसिड अटैक सर्वाइवर से मिली, मैंने उनकी कहानी जानी। तब मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और इस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, जो उनकी लाखों की सर्जरीज है वो कोई करवा सके, जितना हो सके अपीयरेंस बेटर हो सके, ताकि वो कॉन्फिडेंस गेन करें। तो मेरी कोशिश रही कि हर सर्वाइवर को बेस्ट मेडिकल केयर मिल सके। जैसे मैंने अपनी एक आँख खो दी या दूसरी आँख को बड़ी मुश्किल से बचाएगा, किसी सर्वाइवर को वो फेस ना करना पड़े, सालों साल इलाज के लिए इंतजार ना करना पड़े। तो मैंने बेस्ट मेडिकल केयर पे ध्यान देना शुरू किया और करीब 200+ सर्जरीज अब तक करवा चुके हैं, मतलब और लोगों के साथ मिलकर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर 200 से ऊपर सर्जरी हम करवा चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ दूसरी जो मुश्किल चीज़ होती है, लीगल एड, अपना केस लड़ना, क्योंकि सालों साल ट्रायल में केस चलता है, सही मुआवजा नहीं मिलता, कोई गाइडेंस नहीं होती, कोई काउंसिल नहीं करता आपको कि आपको कहाँ जाना है, किससे कॉम्पनसेशन मांगना है, क्योंकि एक विक्टिम खुद में इतना डूब चुकी होती है अपने इलाज में, अपनी परेशानी में, मेंटल फिजिकल ट्रॉमा, तो वो कहाँ से ये सब कुछ करे, ठीक है। तो वहाँ हम उनके लिए काम करते हैं, हम अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को अप्रोच करते हैं कि उन्हें कॉम्पनसेशन दिलाया जाए, हम उनको जस्टिस दिलाने में उनका काम करते हैं। अभी तक काफ़ी केसेस में हम जस्टिस भी दिला चुके हैं और 150+ केसेस में कॉम्पनसेशन दिला चुके हैं। जब मेरा केस हुआ था तो उस केस में मुझे 1 रुपए का भी कहीं पर भी सपोर्ट नहीं था, और बल्कि मेरे खुद के पापा का ही सारा, जितना उनकी जमा पूंजी थी वो सारी मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 महीने तक एडमिट रही, तो वहाँ पर सारा लग गया। तो फिर शाहीन मैम से जब मैं मिली, उन्होंने मेरी फिर से फ़ाइल खुलवाई, और फ़ाइल खुलवाने के बाद हाई कोर्ट में उन्होंने अप्लाई किया और 2 या 3 मंथ्स के अंदर
मुझे उन्होंने कॉम्पनसेशन दिलाया 5 लाख रुपए। हमारा अपना घर है, यहाँ पर हमारी रेगुलर इंग्लिश की क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, योगा क्लासेस ये सब होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम करते हैं कि हम सोसाइटी में जाएं, जहाँ जिस तबके में अटैक ज़्यादा होते हैं वहाँ जाके हम समझा सकें कि इस तरह के अटैक ताकि ना हो। अगर कोई लड़की किसी लड़के को रिजेक्ट करती है, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है, तो कोई राइट नहीं है उस लड़के को उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर देने का और ऐसे अटैक कर देने का। बहुत रोना आता है, कभी होली होली ये सब चीज़ें नहीं देखती। जब होली में आग लगती है तो अपना नज़ारा याद आता है, कभी बाहर नहीं निकलती। 7 महीने मैंने अपने घर में 7 साल निकाले हैं। मैं जितना मिली हूँ यहाँ पे, अप्पी के दूर ही मिली हूँ सबसे। मैं कभी कैमरे के सामने किसी शादी में मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि घर वालों के अलावा बाहर वालों ने तो मेरे से बात करना ही छोड़ दिया था। मेरा अटैक 2014 मई को हुआ। अटैक जीजा जी ने किया। रीज़न ये था कि वो मेरी बहन को बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, बहुत सताते थे। हमने उनको घर लेके आ गए थे, 2 बच्चे थे। हमने लड़के को स्कूल में डाल दिया कि लड़का पढ़ेगा तो एक माँ का सहारा बनेगा। उन्होंने लड़के को किडनैप कर लिया। उसके बाद में हमने एक केस कर दिया कि हमें बच्चा चाहिए। जिस दिन कोर्ट से बच्चा मिलने वाला था, उस दिन मैं और मेरी बहन रास्ते में जा रहे थे, तो वो पीछे से आके मेरे फेस पे एसिड डाल दिया। उसके बाद लाइफ बहुत चेंज हो गई, क्योंकि एसिड अटैक होने के बाद में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फेस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही ख़राब हो गया तो क्या होगा लाइफ में। उसके बाद धीरे धीरे करके फैमिली का बहुत सपोर्ट है, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, जब तक उनको देना चाहिए था, जब तक उनकी बहुत मतलब वो एहसान तो बहुत बड़ी बात है कि फैमिली ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, क्योंकि समाज और सोसाइटी बहुत अलग अलग तरीके की बात बनाती थी कि क्या हो गया, कैसे हो गया, फेस ख़राब हो गया, शादी कैसे होगी, बहुत सी अलग अलग तरीके की बात होती थी। लेकिन उसके बाद में फिर मैंने बहुत अपने अंदर हिम्मत लेके आई और आगे बढ़ी। तो ये ब्रेव सोल्स ओपन होने से पहले हम शाइन अप्पी से मिल चुके थे, और फिर ये ब्रेव सोल्स ओपन हुआ और जब तक हम साथ में ही हैं अभी तक के। वैसे अगर मैं कहूँ तो मैं साल 2013 से एसिड अटैक सर्वाइवर्स, बर्न सर्वाइवर्स के लिए काम कर रही थी और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। लेकिन साल 2021 में मुझे ये लगा कि अब खुद का कुछ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा इंडिया में कोई भी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करे, जिसमें वो सब कुछ देखें एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए। और क्योंकि मैं खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ, मैं बहुत अच्छे से उस दर्द को, उन तकलीफ़ों को समझ सकती थी। तो ब्रेव सोल्स फाउंडेशन स्टार्ट किया गया, और ब्रेव सोल्स नाम भी मैंने सर्वाइवर्स की ब्रेवरी देखते हुए रखा, क्योंकि एक एसिड अटैक सर्वाइवर में एक खास बात है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, जो बहुत ही मुश्किल है। और मैं सल्यूट करती हूँ हर सर्वाइवर को, तो इसीलिए उन इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्रेव सोल्स फाउंडेशन रखा। सर्जरीज मेरी अभी तक 49 हो चुकी है, और ब्रेव सोल्स फाउंडेशन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है, क्योंकि काफ़ी सारी सर्जरियाँ जो है ब्रेव सोल्स फाउंडेशन ने कराई है। मैं 2021 में शाइन अप्पी से मिली थी, अपने वकील के थ्रू मिली थी। उन्होंने मुझे ब्रेव सोल्स के बारे में बताया था, तो मैं शाइन अप्पी से मिली थी। जब स्टार्टिंग में मैं उनसे मिली तो उनकी स्टोरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद में भी एक जीने की चाह होती है, कि उम्मीद होती है, वो नहीं छोड़ी थी। तो मुझे लगा कि मैं भी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। उस टाइम मैं नर्सिंग कर रही थी, मैंने एक अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आगे कुछ और करना है, तो मैं आगे अपना कंप्लीट कर रही हूँ, मैं पोस्ट BSc कर रही हूँ अभी। चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज फंडिंग का था, क्योंकि हम फंडिंग में एक्सपर्ट भी नहीं थे, हमें फ़ंड रेज करना नहीं आता था। काम किया था, फंडिंग के लिए कभी काम नहीं किया था। तो जो अपनी ही सेविंग्स थी कुछ, उससे ही ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया गया। बट वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें लोगों ने सपोर्ट किया। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो ब्रेव सोल्स फाउंडेशन बेस्ट मेडिकल केयर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्जरीज करवाना, ट्रीटमेंट करवाना, वो पूरा देखता है। पैन इंडिया से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है मेडिसिन के लिए सर्वाइवर्स की, हम उनको मंथली मेडिसिंस देते हैं। कई सर्वाइवर ऐसे हैं जो ब्लाइंड हो चुके हैं, जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उनको हम ग्रॉसरीज वगैरह ये सब तो देते ही, हमने उनकी छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करवाए हैं ताकि वो इंडिपेंडेंसी के साथ अपनी लाइफ को जी सकें।
उसके अलावा हम उनकी एजुकेशन में सर्वाइवर और उनके बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। हमारे दो शेल्टर होम हैं, एक दिल्ली में एक कलकत्ता में, जहाँ पर पैन इंडिया से सर्वाइवर्स आते हैं और रुकते हैं। तो ये भी हम करते हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। तो हमारा जो हैंड होल्डिंग है वो स्टार्टिंग से लेकर चलता रहेगा, यहाँ तक कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, तब भी, उसके बाद भी। मतलब एक ऐसा रिश्ता बन जाता है हर सर्वाइवर से उसकी, उसे जब भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसे कुछ चाहिए, उसे कोई सहारा चाहिए, तो वो हम हैं। जब ये संस्था हमने स्टार्ट की, ब्रेव सोल्स फाउंडेशन, मतलब कहते हैं कि बस कर ली, मतलब एक प्लान किया और बस कर ली। तो जब पहला साल हमने पूरा किया तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो जो जो इस कॉज में हमारे साथ थे उन सबके साथ हम एनुअल प्रोग्राम करते हैं। फिर फर्स्ट ईयर से हमने अवार्ड सेरेमनी देनी शुरू, मतलब अवार्ड सेरेमनी हमने शुरू की, जिसमें हम उन 3 लोगों को अवार्ड देते हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए, इस कॉज के लिए कुछ सिग्निफिकेंट किया है, जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो वो हम अवार्ड सेरेमनी होती है, और इसमें हम अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये दिन हमारा दिन होता है, सर्वाइवर्स का दिन होता है। वैसे तो हर दिन हमारा है, लेकिन हम एक दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो सेकंड ईयर एनिवर्सरी में हमने फैशन शो किया, जिसमें सर्वाइवर्स ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रैंप वॉक की थी, और बहुत खुश हुए वो उस सब के बाद। तो बस मेरा मकसद है कि किसी न किसी बहाने खुशी देना। किसी भी गलती की, किसी भी गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा नहीं हो सकती। किसी को हक नहीं है किसी की ज़िंदगी को इस तरह ख़राब कर देने का। तो वही कहूँगी, सोसाइटी सपोर्ट करे, डिस्क्रिमिनेट ना करे, ठीक है, और सब खुले दिल से, खुली बाहों से सर्वाइवर्स को एक्सेप्ट करें। सब चाहते हैं, सब सर्वाइवर्स चाहते हैं कि हमारा अपना कैफ़े हो, एक ब्रेव सोल्स कैफ़े। तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा फंडिंग की हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, होपफुली हमें वो मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह इसको जल्दी स्टार्ट करेंगे और सर्वाइवर्स के थ्रू वो कैफ़े चला जाएगा। अज़ीम प्रेम जी, मतलब ही सो काइंड, और इतने बड़े दिल के लोग हैं, और उन्होंने हमारे यहाँ आए भी, विज़िट भी किया, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे हैं। पटौदी ट्रस्ट, शर्मिला टैगोर मैम, वो भी मेरे साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, 10 साल से, और हम काम कर रहे हैं। फिर कहूँगी शाहरुख खान, जो मीर फाउंडेशन है वो हमारे पार्टनर है, हमारे वेस्ट बंगाल में काफ़ी सर्जरीज कराई हैं, और दिल्ली में भी, तो वो भी हमारे साथ काम करते हैं। और भी मतलब और कहूँ तो लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो एक अच्छी बात है।